नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे एक नए वीडियो में। अक्सर मैं आप देखते होंगे कि मैं अक्सर स्टार्टअप्स और बिजनेस के वीडियोस लेकर आता हूं, जहां मैं आपको नए नए बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हम हर घर में मौजूद है और ये एक सरदर्द बन चुका है। ये कौन सा मुद्दा है? ये मुद्दा है दादा मोबाइल फोन्स का। आज हर घर में बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके एडिक्ट हो जा रहे हैं, उसका नशा हो जा रहा है बच्चों को। लेकिन इस मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाया जाए, आखिर बच्चों से किन बातों का ध्यान रखा जाए कि बच्चे मोबाइल के एडिक्ट ना बने, क्योंकि इससे कई गंभीर बीमारियां भी आजकल बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सब बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मिस प्रताती दे हैं, जो एक पेरेंटिंग कोच है और चाइल्ड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है पिछले 15 साल से। आज ये हमको बताएंगे किस तरीके से बच्चों में मोबाइल की इस बुरी आदत को या बुरी लत को छुड़ाया जा सके। तो मिस दे, सबसे पहले स्वागत है आज आपका मेरे इस शो में। और मैं आपसे एक बात करना पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि जो मोबाइल की बीमारी है, जो मोबाइल की लत है जो बच्चों में आजकल दिख रही है, ये कितनी घातक और कितनी डेंजरस आपको ये दिखाई पड़ती है? ये तो बहुत ज्यादा ये डेंजरस है, बिकॉज आप देखेंगे कि बच्चे छोटे से छोटे, मतलब जब 2-3 साल खाना नहीं खाते, जब तक उनको मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं देता कार्टून, मतलब उस एज से वो उसमें एडिक्टेड हो जा रहा है। और चलते चलते ये नतीजा हो रहा है कि मतलब एक सेकंड भी वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। पढ़ाई के टाइम मल्टीटास्किंग करते हैं, यहाँ पे टीवी देख रहा है लेकिन वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, माँ बाप कुछ बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, वो अपना फोन पे गेम खेल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले में क्या होता था, एक टीवी का नशा होता था, टीवी फिर भी ठीक था क्योंकि सबके साथ बैठ के देखते थे। अभी मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, एंड मोस्टली वो हेडफोन पहन के वो देखते हैं, तो सुनाई भी नहीं देता है पेरेंट्स को कि वो सुन क्या रहे देख क्या रहे, तो उसमें कई हैजर्डस चीजें वो देखते हैं, अपने ऊपर आजमाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गेम बैन हो चुका है रिसेंटली, ब्लू वेल वाला जी, जी, हाँ। तो वो था कि सबसे डेंजरस क्या एप्लीकेशन वो अपने ऊपर कर सकते हैं, हाथ काटना या कुछ सिर पटकना, कुछ ऐसे तरीके की डेंजरस एक्टिविटीज जितना कर सके उतना पॉइंट्स मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ, बच्चों ने यहाँ तक कि 9th floor 10th floor से जंप करने का भी कोशिश किया। फिर आजकल ये ट्रेंड चला है, कोई सुसाइड कर रहा है तो फेसबुक में अपलोड करते हैं। अभी कोई 9-10 साल का बच्चा जिसका मैच्योरिटी नहीं है, भला बुरा का ज्ञान नहीं है, और माँ बाप को भी नहीं पता चल रहा है कि क्या देख रहा है, वो सोचते हैं वो बहुत कूल है, बहुत कूल क्वेश्चन है कि मैं भी ऐसे ट्राई करूं। तो इसमें कई बीमारी तो होती है। फर्स्टली तो आईसाइट, हमेशा वो उसमें स्क्रीन में हुक्ड रहने से जो होता है आईसाइट का तो सभी जानते हैं, आपको प्रॉब्लम उसको होता है, आपको प्रॉब्लम होता है। मेंटल बीमारी हो जाता है कि बच्चा बहुत रूड और बहुत रिपल्सिव और बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अपार्ट फ्रॉम द मोबाइल उसको सहन नहीं होता है। तो नतीजा ये होता है कि वो बिहेवियर जो है, बिहेवियरल इम्पैक्ट बहुत होता है, स्कूल में भी उसका बिहेवियर का कंप्लेन आता है, माँ बाप पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं उसके बिहेवियर से। आउटडोर गेम्स तो वो भूल ही चुके हैं बिल्कुल जी, मतलब जिसमें उसका फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसमें अच्छा हॉर्मोन्स निकल के उसका एक फील गुड फैक्टर दे, वो सब उसका चेंज का मोबाइल में मिलता है, जो कि सब हानिकारक इसलिए है क्योंकि एक जगह वो बैठ के कर रहा है, उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बाहर निकलना बंद हो गया, बाहर निकलना, जो इवन विटामिन डी की कमी हो रहा है बिकॉज वो ना बाहर निकल के कोई धूप में खेल रहा है, इवन ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं इंटेक कर पा रहा है। जो बच्चा फुटबॉल खेलेगा या दौड़ेगा, उसका जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है, एरोबिक एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से मतलब जितना भी मैं बोलूं वो कम है। परिणाम तो सारे पेरेंट्स जानते हैं और सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं, बट उससे कैसे हम निकल सकते हैं, कैसे हम पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं बच्चों को उससे निकलने का, वही हम मेरा काम है एज अ पेरेंटिंग कोच एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंसल्टेंट। बता दीजिए, इससे पहले कि मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछूं, मेरे मन में एक अजीब सी चीज आ रही जो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज के समय में पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, इनफैक्ट जो हद से ज्यादा दे रहे हैं, जो हमारे समय में नहीं था, अब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज वो नहीं दे रहे हैं शायद वो समय है। इसीलिए समय नहीं देने के कारण अक्सर होता है कि बच्चा आपके पास आता, आप कहते हैं भाई ये मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये डिस्टर्ब मत कर, ये ले जा बैठ जा कोने में और जा यहाँ से थोड़ी देर
शांत हो जा। तो ये आपको लगता है कि ये जो समय का नहीं दे पाना है पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति, जैसे हमारे समय पेरेंट्स बहुत देखते थे बच्चों क्या कर रहे हैं, मॉनिटर करते थे, अभी सब कमाए रहे, दोनों कमा रहे हैं, वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, तो क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण बच्चे मोबाइल एडिक्ट बन रहे हैं? बिल्कुल है, ऐसे मतलब मेन कॉज तो वही है, मेन वजह तो वही है, समय नहीं देना। हमारे टाइम में जैसे आपने कहा, हमारे टाइम में स्टोरी टाइम एक होता था, बिल्कुल, बिल्कुल। या स्लीपिंग टाइम में माँ या बाप कोई भी मतलब स्टोरी बताते थे, या वो ठाकुमा होता था, ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर, वो अभी सभी मोबाइल में पूरा फैमिली व्यस्त है तो बच्चा करेगा क्या, वो ही देखेगा। सही, तो सही। मैं जो एक सलाह देना चाहती हूँ, वैसे तो मैं मेरे प्रोग्राम्स बहुत है, लेकिन एक टिप जो मैं देना चाहूंगी कि आप पहले तो बहुत अर्ली शुरू करिए, बिकॉज अर्ली शुरू करने का गुड हैबिट्स इनकर करना एट अर्ली स्टेज इज इजियर। जब थोड़ा बच्चे उसे एडिक्टेड हो जाए उसके बाद उसको तब्दील करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मेरा एक टिप है वो है, आप एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बनाइए, ठीक है, जैसे बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, एंड उसमें वो लिखिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सेम फैमिली रूल्स, अपना फैमिली मतलब ओन फैमिली रूल्स, तो वो बच्चे का थोड़ा ओनरशिप फील करते हैं। या फिर शर्मा फैमिली रूल्स, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स रहेंगे और उसमें रूल ये रहेगा, कुछ कुछ सिंपल रूल सेट करिए, नो टेक्सटिंग व्हाइल गोइंग इन द कार, और टीवी देखते टाइम सोशल मीडिया नहीं स्क्रॉल करना, मील टाइम्स में देयर विल बी नो फोन ऑन द टेबल, मील्स खत्म होने के बाद फोन अटेंड किया जाएगा, फोन कॉल आए भी तो। ऐसे करने से क्या होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप भी उस रूल को फॉलो करिए, ये मेरे पेरेंट्स के लिए सलाह है। मतलब आप ये कहेंगे जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहां सब कॉमन बच्चों के लिए या और अपने बड़ों के लिए भी रूल बना दिया कि मोबाइल किस वक्त हाथ लगाना है, किस वक्त हाथ नहीं लगाना। और एक तो वो फैमिली ग्रुप बनने से बच्चे एक्साइटेड होंगे जब देखेंगे कि फैमिली का बड़े भी वो रूल्स फॉलो कर रहा है, एंड आप एक रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं वीकली कि कितने लोगों ने मतलब कितने बारी वो रूल को फॉलो किया, जो सबसे बेटर फॉलो किया उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो एक वो रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम जो है उसमें आ जाएगा, तो बच्चे नेचुरली एक्साइटेड रहेंगे रिवॉर्ड पाने के लिए। बट मेन थिंग इज कि पेरेंट्स हैव टू वॉक द टॉक, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, उसमें आपको भी शामिल होके एवरी डे उसमें आपको पूरा आपने फॉलो किया कि नहीं वो टिक करना पड़ेगा। आपने मील के टाइम पे मोबाइल नहीं यूज किया, टीवी देखते टाइम मोबाइल नहीं यूज किया, कार में अगर ये रूल आपने सेट किया कार में जाते हुए स्क्रोल नहीं करना, तो वो भी आपने फॉलो किया कि नहीं, वो भी आपको भी करना है। तो इससे तो बच्चे वो रूल सीखेंगे, वो रूल सीखेंगे। तो ऐसे करके एक सिंपल ये टिप हुआ। सेकंड ये हो सकता है कि आप बच्चे को लेके जितने टाइम पे भी आप आते हैं उनको एनकरेज करिए बाहर जाके कुछ करने के लिए, मतलब चाहे वो थोड़ा दौड़ के भी आए, हाँ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो आपको आते आते शाम भी हो जाए बट आप भी जा रहे हो वॉक में, तो उसको भी लेके जाओ। और उसमें उस टाइम गैजेट फ्री होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, बच्चे उस आधा घंटा वॉक किया, एक घंटा आपने वॉक किया और बच्चे आपके साथ गए, तो एक घंटा वो थोड़ा हैप्पी हॉर्मोन्स उसका निकलेगा, आपके साथ बातचीत होगा, वो फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, तो उसमें धीरे धीरे उसका टाइम मोबाइल एडिक्शन का टाइम जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे आपको फॉलो करना होगा। और भी सारी चीजें है जो मैं वही पूछने जा रहा हूँ, जैसे आपने तो ये बोला कि व्हाट्सएप पे जैसे हम एक ग्रुप बना दें और फैमिली ग्रुप बना दें, बच्चों को थोड़ा वॉक पे लेके जाएं, बाहर पे फिजिकल एक्टिविटी करवाएं उनको, और मुझे ये बताइए कि अगर बच्चों माँ बाप कैसे मतलब दिन भर जो बच्चे घर में आते हैं उन पर कैसे नजर रखें कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, या फिर मोबाइल से कंप्लीटली दूर रखने के लिए और क्या क्या स्टेप्स उनको उठाने चाहिए एक माँ को, क्योंकि माँ ज्यादातर बच्चों के साथ समय बिताती है, तो माँ का यहाँ क्या रोल होना चाहिए? माँ का रोल तो वही होना चाहिए, रूल्स जैसे मैंने बोला सेट कर सकते हैं, माँ भी फोन में क्या देख रहा है अगर ऐसे रूल सेट किया कि वो ओपन रहेगा टीवी की तरह, टीवी की तरह एक वो नियम सेट किया जाए कि सब वो देख सकते हैं। बच्चों के साथ आप बैठिए, माँ बैठे ये बोल सकते हैं कि चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ देखती हूँ क्या है, तो उसमें ना बच्चे को बहुत अच्छा भी लगता है, चलो मेरे चीज में मदर पार्टिसिपेट कर रही है, मैं अकेले नहीं हूँ। तो फिर वो एक तरफ से तो वो ये भी आएगा, क्लैरिटी भी आएगा मदर को कि वो क्या देख रहे हैं, और दूसरी जो अच्छा चीज होगा वो है बच्चा इन्वॉल्व फील करेगा। तो ये टाइप का रूल घर में सेट करना चाहिए कि सब बैठ के उसके साथ एंजॉय करें। वो अगर कार्टून ही देख रहा है तो
तो माँ थोड़ा अपना टाइम निकाल के, अपना स्क्रीन टाइम निकाल के उसके साथ बैठ के कार्टून देखे, यही मेरा बोलने का मतलब था। गेम्स खेले तो वो माँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, बट हम आधा घंटा ही खेलेंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। टाइम सेट कर दीजिए और वो टाइम आप बच्चों के साथ ही रहिए, उसमें बच्चा अकेला नहीं खेलेगा। यानी आप कह रही कि इस लत को छुड़ाना एक टाइम में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करके इसमें उसके लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, होलिस्टिक प्रोग्राम्स है। एक बार ये तो मैं टिप्स दे रही हूँ जो आप घर में कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप है, बेबी स्टेप है, बट पूरा छुड़ाने के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें बच्चों का लर्निंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके लिए मेरा एक बहुत अच्छा फैंटास्टिक प्रोग्राम चलता है एनलाइटनिंग माइंड्स करके। उसमें तो देखा गया है कि बच्चे उसमें एक महीने पार्टिसिपेट करते हैं तो 50-60% उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। तो एक बार ही वो, और अनलिमिटेड 14 years तक है वो, मतलब वो प्रोग्राम जो है, उसके बाद से मदर को और फादर को इतना परेशानी उठाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उसी में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे वो एक्टिविटीज में कि उसी में इंटरेस्ट लेने लगेगा, ना कि ये फोन में। और आपका जो ये जो प्रोग्राम है, ये क्या बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है? ऑनलाइन चलता है बिकॉज ये पैन इंडिया है। अच्छा, ऑनलाइन करवाती हैं? हाँ, ऑनलाइन करवाते हैं, ये इस रीजन से बिकॉज इसमें ऑस्ट्रेलिया से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये क्योंकि एक इंडियन प्रोग्राम है, अभी आपको पता है ना वेस्ट में और बाकी कंट्रीज में भी इंडियन कल्चर, इंडियन वे ऑफ अपब्रिंगिंग बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। सो इसलिए हमने इसको पूरा ऑनलाइन रखा है, तो डिटेल्स तो कांटेक्ट करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी। तो मिस देर ने तो कुछ टिप्स आपको दे ही दी, बहुत सब कुछ बताया कि किस तरीके से आप इनिशियली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के या फिर बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करके, और तीसरा पॉइंट है कि उनके साथ एक फिक्स टाइम अगर मोबाइल में बिताना है तो दिन में एक फिक्स टाइम बिताएं, और ये नजर रखें कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उसके साथ इन्वॉल्व रखिए, उसके साथ गेम्स भी खेलिए, उसका कार्टून भी देखिए, उससे क्वेश्चन करिए, तो वो बहुत अकेला नहीं फील करेगा, लोनली नहीं फील करेगा। बिल्कुल, और मैं एज अ सबसे बड़ी बात बताऊं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल की है कि यहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है, बच्चा क्या देख रहा है हमको पता नहीं है, अब वो एक पॉर्न साइट भी देख सकता है, वो एक ऐसा कुछ डेंजरस भी देख सकता है, जिससे वो लाइफ भी अपनी एंड कर सकता है, यानी वो कुछ भी देख सकता है। तो बहुत जरूरी कि आप उसको मॉनिटर करें कि वो क्या देख रहा है। और दूसरी बात है कि मिस दे अपना कोर्स भी रन करती है जहां पे वो बच्चों को मदद करती है कि किस तरीके से वो डी एडिक्ट हो पाए इस बारे में। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई कहीं से भी कर सकता है इस कोर्स को। तो मैं, अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कोर्स कैसे होता है, कैसे करवाती है बच्चों को डी एडिक्ट बनाने में, मोबाइल का नशे, मोबाइल की लत छुड़ाने में, तो इनका नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि ये आज वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि ये बहुत ही वाइटल और बर्निंग इश्यू हो चुका है, हर घर में प्रॉब्लम है कि बच्चा आजकल तो बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाता है और सोता भी नहीं है, छोटे से छोटे छोटा से 3-4 साल के बच्चे को अभी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं तो कहता हूँ कि वो एक तरीके से ब्लैकमेलिया बन चुके हैं कि अगर आप मोबाइल तो ही खाना खाओ, ये उनको, और वो दुनिया के सबसे अच्छे सेल्समैन है क्योंकि उनको पता कि वो सर पटक देंगे अपना और अपना जमीन पे लेट जाएंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करना, उनसे अच्छा सेल्समैन मुझे दुनिया में कोई पैदा हुआ है। तो अगर आप भी अपने बच्चे की ऐसे ही लत छुड़ाना चाहते हैं मोबाइल की, तो इस बारे में आप इस देश से बात कर सकते हैं। इनके बारे ज्यादा जानकारी चाहिए इनके कोर्सेज के बारे, तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं बिजनेस और स्टार्टअप्स की वीडियोस तो लाता ही हूं, साथ में ऐसे मेहमानों से भी मिलवाता हूं ताकि आपकी जिंदगी खुशहाल बन सके। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत।